नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के ऊपर कि आखिर हमारे फोन में या कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलता है। सभी लोग सोचते हैं या तो हम सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट चलाते हैं या फिर पृथ्वी में कहीं ना कहीं वायर ऐसी है जिसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट बिल्कुल फ्री होता है आप लोगों के लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसको मेंटेन करने का हमें चार्ज देना होता है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कितना चार्ज पे करना पड़ता है और इंटरनेट कहाँ से आता है और किस तरह से ये फ्री है, फर्स्ट कंपनी कौन है, सेकंड कंपनी कौन है और थर्ड कंपनीज कौन है, किसके द्वारा ये इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब, आप देख रहे हैं आफ्ताब कंप्यूटर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि हम इंटरनेट बस अपना रिचार्ज कराते हैं फोन में और इंटरनेट वापस सैटेलाइट के द्वारा हमारा नेट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तीन कंपनीज काम करती हैं और तीन कंपनीज के थ्रू हमारे फोन तक, हमारे कंप्यूटर तक, हमारे घर तक इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी तीन कंपनी है और कैसे कैसे वो वर्क करती है और हमारे फोन तक और कंप्यूटर तक, हमारे घरों तक किस तरह से नेट पहुंचाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी की अगर हम बात करें तो वो ये कंपनी है, टीयर वन कंपनी। टीयर वन कंपनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी समुंदर हैं, सारे समुंदरों के बीच फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछा रखा है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बैंडविड्थ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई स्पीड, 100 GB/s की स्पीड होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट को फैलाया गया है और कंट्री टू कंट्री, एक एक कंट्री को आपस में कनेक्ट किया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में समुंदरों से मुंबई के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल लाके बिछाया गया है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेट एक्सेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग अगर दिल्ली के अंदर हो और दिल्ली में आपने गूगल एक्सेस करा तो गूगल का सर्वर तो इंडिया में नहीं है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही हो आप, गूगल का सर्वर इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन हमारा डेटा, हमारा ट्रैफिक मुंबई जाता है, हमारा ट्रैफिक मुंबई से डेटा पास करके आउट ऑफ कंट्री सेंड करता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं और गूगल एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो भी ट्रैफिक जाता है वो मुंबई के थ्रू जाता है, मुंबई में जहां फाइबर ऑप्टिक केबल से इंटरनेट लगाया गया है इंडिया के अंदर पास करने के लिए, वहीं से हमारा इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे कंपनी आती है हमारी ISP कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जितनी भी कंपनीज है जिसकी सिम है, जो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी कंपनीज आती है दूसरे नंबर पे। टीयर वन कंपनी से इन कंपनीज ने टाई अप किया होता है, वो लोग फाइबर ऑप्टिक केबल से कंट्री तक इंटरनेट पहुंचाते हैं और कंट्री के अंदर का सारा वर्क ये सारी ISP कंपनीज अपने अपने नेटवर्क द्वारा करती हैं। ये सारी ISP कंपनीज टीयर वन कंपनी को जो भी इनका टाई अप का चार्जेस होता है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं और ये लोग हमसे चार्जेस लेते हैं। और दोस्तों, अगर हम तीसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो तिकोना जैसी जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ISP द्वारा ये लोग अपने छतों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर टावर लगवाते हैं और उसके द्वारा फिर साइबर कैफे में या कहीं भी आपके पर्सनली अगर आपको यूज करने के लिए इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों के घर तक इंटरनेट पहुंचाते हैं, ये सारी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं। हम इनको अपना मंथली जो भी पे करते हैं और ये लोग आगे ISP कंपनी को पे करते हैं, ISP कंपनी आगे टीयर वन कंपनीज को पे करते हैं। अगर हम बात करें जियो कंपनी की, जियो ने अभी से 5-6 साल पहले फाइबर ऑप्टिक केबल्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिछा दिया था, जिसकी वजह से जियो ने अचानक से ही अनाउंसमेंट कर दिया कि जियो की सिम के साथ इंटरनेट फ्री है। तो दोस्तों, जियो ने ये बहुत ही अच्छा काम किया था जिसकी वजह से आज सभी लोग इंडिया के अंदर बहुत ही ईजी से, बहुत ही कम पैसों में इंटरनेट चला पा रहे हैं और जियो की वजह से ही हम सबको पता लगा कि इंटरनेट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है और यूट्यूब वगैरह पे जितनी भी लोग वर्क करने लग गए, ऑनलाइन रहने लग गए, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करने लग गए, वो सारे इंटरनेट के द्वारा हुआ। जियो कंपनी ने बहुत ही तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई और इंटरनेट तो सभी के लिए फ्री ही होता है, तो सडनली अनाउंस कर दिया कि इंडिया के अंदर भी जियो सिम के साथ इंटरनेट फ्री है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक यू, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।